सबको संग लाओ और डे मनाओ तो आज ड्राई डे मन रहा है क्योंकि ड्राई डे की पूरी टीम हमारे साथ है वेलकम थैंक यू तो आपके हिसाब से मतलब आज ड्राई डे है पर तो जब सब साथ होते है तो कितनी मस्ती होती है कितना मतलब अगर बिहाइंड सीन बात करें तो क्या क्या मस्ती होती है अरे तो सारा दिन मस्ती होती रहती है और करते क्या हम लोग मस्ती करते करते ये फिल्म भी वैसे ही बनाई है हाँ, मस्ती करते 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 बनाई तो। उसी एनर्जी के साथ हाँ आई मीन एज यू कैन सी जनरली एक बहुत रिलैक्स्ड uh, uh, एक मज़ेदार एटमोसफियर ही रहा जो इस फिल्म के लिए आई थिंक ज़रूरी था क्योंकि इस फिल्म में ऑफ कोर्स एक एक सोशल uh, मैसेजिंग uh, है बट एट द एंड ऑफ द डे एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है और सौरभ सर डायरेक्टर हैं तो मतलब uh, कैसे ही मजा तो, नहीं आएगा तो आपसे शुरू करेंगे क्या है निर्मला कैसी है इसमें और कितना मजा आया निर्मला प्ले करते हुए एक्चुअली गन्नो व्हाई डोंट यू आंसर दैट हां निर्मला कैसी है निर्मला निर्मला से निर्मला बहुत प्यारी है फिल्म में और गन्नो से बहुत प्यार करता है लेकिन उससे डरता भी बहुत है तो है एक फेयर है निर्मला का पूरी फिल्म में जो कि जिसकी वजह से गन्नू की एक जर्नी अदरवाइज़ निर्मला उसकी लाइफ में नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि उसकी कोई जर्नी होती <laughs> वो अपने शराबी दोस्तों के साथ शराब पीते रहता और मस्त रहता बट हाँ जस्ट बिकॉज निर्मला है और वो इतना प्यार उसको करती है तो उसको भी कुछ रिटर्न में करना था तो आई थिंक दैट्स हाउ द फिल्म इज एंड इट इट इन्हेंस गन्नूज कैरेक्टर इन द फिल्म आई थिंक उनकी रिलेशनशिप ऐसी है कि वो जानती है कि गन्नू का पोटेंशियल क्या है यू you नो know, uh, mm -hmm. मतलब वैसे वो ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि वो उसकी इसके पिताजी जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि मतलब इस लफंगे से क्यों यू नो शादी कर ले बट शी नोस कि वो बिसाइड्स बीइंग क्यूट दिल का <laughs> अच्छा है एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये प्यार कह सकते हैं व्हिच रियली एक्चुअली कॉजेस सम चेंज या तो एक नए चेंज के साथ नए मोटिव के साथ इस मूवी के साथ आ रहे हो आप तो हमेशा जो है मतलब जीतू भैया सबके दिलों पर राज कर रहे हैं अभी तक तो क्या लग रहा है अब गन्नू भैया कितने राज कर पाएंगे <laughs> गन्नू भैया तो राजा ही हैं और सब उसकी प्रजा हैं <laughs> <laughs> तो आई थिंक गन्नू के तो आ, मतलब गन्नू बहुत अडोरेबल सा कैरेक्टर है इन द फिल्म जो कि फन भी है जिसको देखने में मजा भी आएगा <laughs> और आ, मुझे लगता है कि जनरली फिल्म शराबियों के बारे में कि वो मतलब एक तो होता है कि ज्ञान की बातें पहले होती हैं कि अरे यार शराब की लत खराब है ठीक है या फिर जब तुम पूरा तमाशा देख लेते हो शराबियों का उसके बाद अगले दिन तुम उनको समझा पाते हो कि भाई शराब मत पीओ तो उसके बीच की कहानी है <laughs> ज्ञान ज्ञान के ज्यान तुम बाद में दोगे और ज्ञान तुम पहले दे सकते हो बट पहले तुम उनका तमाशा देखोगे कि ये लोग क्या है क्या कर रहे हैं तो हाँ सो वो, वो एक शराबी की कहानी है तो आई होप कि लोगों को पसंद आए तो सौरभ सर कितना मजा आया शराबियों को हैंडल करने में बहुत मजा आया हैंडल करने में जो मजा होता है उससे बढ़िया मज़ा नहीं होता है एंड आई मस्ट से कि इनसे ज़्यादा तो मैं ड्रंक हो गया था दारू पी के नहीं इनके कमाल के काम पे आई वाज हाई एंड आई वाज कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड तो देखिए क्या होता है किसी भी एक्टर को मैं आज सबके सामने ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि किसी भी एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरा एक्टर जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाता है क्योंकि आपको हमेशा लगता है अरे यार मैं बेटर करता मैं बेटर करता मैं पहली बार मुझे बहुत इंटॉक्सिकेशन हुआ और जेलसी बहुत हुई कि यार ये इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं ये लोग यार hmm. मतलब मैं जो भी सोचता था इट वॉज सच अ डिलाइट टू सी देम बोथ श्रेया एंड जीतू एंड अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स जिसमें कुछ बहुत यंग एक्टर्स हैं कुछ पहली बार काम कर रहे हैं अनु कपूर जैसे आ, बहुत ही वेटरन एक्टर बहुत ही कमाल के एक्टर सो आई थिंक दैट एवरीबडी जस्ट इट वॉज फॉर मीट वॉज अग ट्रीट मधुब हमेशा कुछ मोटो होता है आपकी मूवी के पीछे तो ये वाला जो मोटो है वो क्या है आई थिंक ये फिल्म का जो एक मैसेज है ऐसा मतलब हम जैसे सौरभ कहते हैं कि हम कोई ज्ञान नहीं बांटने आए हैं वो बिल्कुल ही हमारा इरादा नहीं है बस एंटरटेन करने का इरादा है और पिक्चर देखते वक्त या देखने के बाद अगर आप कुछ लेके जाते हो आ, कुछ सीख लेके जाते हो तो वो आ, सोने पे सुहागा होगे हमारे लिए हमारे मतलब यू नो एक्टर्स और डायरेक्टर और हमारे मतलब प्रोड्यूसर्स के तौर पे बट आर राइट कि जब हम सब्जेक्ट पिक करते हैं तो एक मुद्दा होता है हुँ. या एक उसमें एक मतलब वो क्या कहते हैं नमक जो हुँ. होती है आ, स्टोरी में तो आई थिंक दैट इसमें काफ़ी यू नो इंग्रेडिएंट्स हैं बट एक एंटरटेनिंग पैकेज है मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये आप फिल्म uh, देखोगे तो आपको मतलब जैसे uh, जीतू कह रहे थे कि यू नो शराबी है या जैसे निर्मला का जो कैरेक्टर है जैसे श्रेया कह रही थी कि वो एक कैटलिस्ट है चेंज के लिए तो ऐसी बहुत सारे मतलब यू नो इंग्रेडिएंट्स हैं बट एंटरटेनिंग फिल्म है आप uh, गाने देखोगे आपको हंसी आएगी आ, और आप मतलब दो घंटे जो आप बिताओगे आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अरे यार कि ये, मेरे दो घंटे <laughs> ये क्या दिखा दिया <laughs> तो एटलीस्ट <laughs> <अगे। laughs> <अगे। laughs> एटलीस्ट ये हमारा इरादा था कि हम ऐसी फिल्म बनाएं जो सबको पसंद आए आप फैमिली के साथ बैठ के देख पाओ तो ये ये दिस वोट दिस इज वॉट अट्रैक्टेड टू द फिल्म होली सॉन्ग के लिए काफी एक्साइटेड है आप मतलब फर्स्ट होली सॉन्ग फॉर यू हाँ इस फिल्म में सॉन्ग्स एक्चुअली म्यूज़िक इन जनरल बहुत अच्छा है इस फिल्म में एंड एज द सॉन्ग्स रिलीज द पीपल विल बी एबल टू लिसन टू इट और कहानी का इंटीग्रल पार्ट है तो मुझे तो बहुत मज़ा आया फुल मतलब एक जो प्रॉपर कोरियोग्राफी आउट एंड आउट जो uh, uh, की जाती है वैसे हमें भोपाल की ठंड में नाचने का मौका मिला एंड ब्यूटिफुली पिक्चराइज सो या एम एक्साइटेड कि पीपल अगोनो वॉच इट आपको कितना मजा आया मतलब कौन से वाले फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में जब दारू छोड़ दी थी <laughs> या छोड़ने के बाद क्या प्ले करने में सबसे ज़्यादा आई थिंक uh, पूरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी मतलब हमारा जितने हम जितने भी दिन थे भोपाल में शूट कर रहे थे बहुत अच्छी एनर्जी से हम लोग जाते थे और ठंड थी खा खा पी रहे थे मस्त कर मस्ती कर रहे थे और शूट हो गया तो बहुत इन्जॉय uh, किया मैंने पूरी जर्नी इट्स नॉट लाइक सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ ऐसा नहीं था जैसे कि सर की मूवी का गाना है वैसे कुछ माहौल कभी तो आप आप जो जानना चाह रहे हैं कि मतलब कि इसमें क्या कितनी मस्ती हुई मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ एक सीक्वेंस हम लोग कर रहे थे नरसिंहगढ़ वहाँ एक जगह है तो छोटा सा शहर है बड़ा खूबसूरत सा शहर है और हम लोग शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर होली का ही सीक्वेंस है गाना नहीं था होली के बाद एक लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पर वो हम लोग शूट कर रहे थे पूरा दिन शूटिंग चल रही थी अब शूटिंग में क्या होता है आप लोगों को बोलते हैं कि भैया बाहर मत झांकिए कैमरे में मत देखिए और सारी सारे लोग अपने घरों की छत पे चढ़ के सारे दिन उन्होंने शूटिंग देखी शूटिंग के बाद वो उस शहर का पैकअप डे था तो ढोल ओल बज रहे थे सब कुछ हुआ पूरा सीन हुआ उसके बाद मैंने कहा कि नरसिंहगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद और आज यहाँ आखिरी दिन हम लोग कर रहे हैं और कह के मैं वहाँ से चला जब मैं वहाँ से चला तो ढोल बजना चालू हुआ क्योंकि हमारे असिस्टेंट्स वगैरह जो थे उन्होंने कहा यार हम तो ढोल आया हुआ तो डांस करेंगे तो उन्होंने डांस करना शुरू किया और यकीन मानिए वो जितने लोग घरों में थे वो सारे अपने घरों से नीचे उतर के आए वहां के जिनका कोई लेना देना नहीं था वो खाली शूटिंग देख रहे थे वो लोग उतर के आए और उस ठंड में क्योंकि हम लोगों ने सर्दियों के दिनों में शूटिंग की है वहां पर कलर भी था सब कुछ था एवरीबडी प्लेड होली एंड वी हैव द फुटेज ऑफ इटफ दैट इज दी हैव द फुटेज ऑफ इट

वो दाम 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 दाम। <laughs> तो द, क्या लग रहा है ये जो शराब बिक्री पर रोक लगाओ तो कितना ये एक मैसेज जो है काफ़ी टाइम से ये लोग करना चाह रहे हैं मतलब इस पे कि लोग अमल करे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं तो इसका और कितना इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि ये स्पेसिफ़िकली जगोधर के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इलीगल uh, शराब की बिक्री इज द राइट वर्ड हो रही है uh, वहाँ पे जो एक सर्टेन इशू है वो उस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है हम ऐसे कुछ ऐसे बड़े जनरलाइज स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली इन लोगों के ज़िंदगी की कहानी है

कि हमें शराब से प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स एडिक्शन एक अंडरलाइंड स्टेटमेंट है फिल्म का पर इट्स अबाउट कि शराबियाँ क्या तमाशा करते हैं और उनके वजह से क्या क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं hmm. वो दिखाई गई देर इज मतलब हम लोग ऑन द फेस आके कुछ भी स्टेटमेंट अबाउट दिस नहीं बोल रहे हैं अफकोर्स अडिक्शन इज़ अ रॉन्ग थिंग वो चाहे किसी भी चीज़ का हो करे? वो एक अंडरलाइन चीज़ जरूर है बट इट्स अ तमाशा जगोदर और इस कहानी में जो औरतें हैं उनका एक बहुत आ, क्रूशल एफर्ट होता है टू ब्रिंग चेंज जगोधर के मतलब उनके गांव सिटी में सिटी hmm. जगोधर टाउन oh. टाउन so, में तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग uh, वे में फिल्म में दिखाया गया है अभी शायद ट्रेलर से uh, लोगों को समझ में वो अभी नहीं आएगा बट बहुत ही ब्यूटीफुल और सटल वे में कहा गया द पावर ऑफ अ वन ऑफ अ वुमन टू ब्रिंग अबाउट चेंज एंड टू बी अ कैटलिस्ट जितने हमेशा द, मतलब लोगों के करीब वाले कैरेक्टर्स ही करते हुए आ रहे हैं अभी तक हमेशा लोगों के बीच रहे हैं ऐसा वाला ही कैरेक्टर होता है और तो ये वाला कैरेक्टर कितना रिलेट कर पाएंगे लोग आई एम श्योर ये मतलब ये हर टाउन <laughs> की कहानी है और आई एम श्योर काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर है जैसा सर ने लिखा है इट्स वेरी रिलेटेबल आई आई एम श्योर कि लोग रिलेट करेंगे इस जो फिल्म में इंसीडेंट्स हैं उन चीज़ों से तो क्या कुछ कहना चाहेंगे

संविधान में है कि कुछ दिन जो होते हैं ड्राई डे होते हैं और उस दिन अगर कोई फंस के थोड़ा उदास हो तो उस उदासी को दूर करने के लिए ड्राई डे से बढ़िया <laughs> फिल्म से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है तो वो जरूर देखिए थैंक यू सो मच हम तो लेकर आते हैं आपके लिए ट्वेंटी फोर सेवन एंटरटेनमेंट तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं ना सास बहू और पेटियान